हेलो दोस्तों, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। ये है 2018 होंडा एक्टिवा 125। अब इस साल के लिए होंडा ने एक्टिवा 125 को अपडेट किया है, काफ़ी सारे नए फीचर्स आ गए हैं इसमें। तो ये सब क्या फीचर्स हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि इसका जो हेडलैम्प है ये अब एलईडी का है। पहले कन्वेंशनल हैलोजन हेडलैम्प आता था, अब इसमें एलईडी आ गया है। काफ़ी स्लीक सा प्रोफाइल भी है इसका। और वहीं नीचे आप देखेंगे तो इसमें एलईडी पायलट लैंप्स हैं जो इस तरह से ग्लो होते हैं। और सामने एक क्रोम एलिमेंट दिया हुआ है जो पहले भी था, वो चेंज नहीं हुआ है। बट ये एलईडी के पायलट लैंप्स आने से इसका लुक और बेहतर हो गया है। वहीं जो एक और चेंज है इसमें वो है ये नया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो कि एनालॉग और डिजिटल का कॉम्बिनेशन है। सो जो स्पीडोमीटर है ये एनालॉग है और यहाँ पे एक छोटा सा इनसेट है डिजिटल का, इसमें आपको ये डिजिटल क्लॉक मिलेगा। ओडोमीटर है और फ्यूल गेज भी है इसमें। एक और जो नया एडिशन इसमें है वो है ये कॉम्बिनेशन स्विच, जिसमें आपको एक स्विच मिलता है सीट के लिए। तो अगर आप इसे सीट पोजीशन पे रखें, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सीट, सीट पोजीशन पे रखें तो सिर्फ ये बटन दबाने से इसकी सीट आप खोल सकते हैं। सो ये एक नया एडिशन है एक्टिवा 125 में जो काफ़ी यूज़फुल है। और ये है इसका अंडर सीट स्टोरेज जो काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे आपको एक जगह दी हुई है जहाँ पे आप चार्जिंग के लिए एक सॉकेट अटैच कर सकते हैं, जो स्टैंडर्ड अवेलेबल नहीं है स्कूटर के साथ, लेकिन आपको एक्सेसरी में ये मिल जाएगा। ये इसका फ्यूल फिलर कैप है, 5.3 लीटर्स की इसकी कैपेसिटी है टैंक की। यूटिलिटी वाइज भी अगर देखें तो इसमें यहाँ सामने आपको एक हुक मिलेगा जो रिट्रैक्टेबल है, इस तरह से इसकी यूटिलिटी काफ़ी अच्छी हो जाती है। और वहीं यहाँ नीचे भी एक हुक दिया हुआ है जो फिक्स्ड है, रिट्रैक्टेबल नहीं है और ये मेटल का है। ये सामने वाला जो है ये प्लास्टिक का हुक है। बाकी लुक्स की अगर बात करें तो इसमें ज़्यादा कोई चेंज नहीं है, ये पहले वाली एक्टिवा 125 की तरह ही लगती है। इसका जो टेल सेक्शन है ये भी उसी तरह से है, पर काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है क्योंकि टेल लैम्प काफ़ी बड़ी है इसकी और जो इसके टर्न इंडिकेटर्स है ये भी बड़े हैं। दूसरी एक और अच्छी यूटिलिटी की बात है, इसका ये जो ग्रैब हैंडल है ये भी काफ़ी बड़ा है, तो आप आराम से इसे पकड़ सकते हैं यहाँ से या यहाँ से, तो ये इसकी यूटिलिटी में काफ़ी ऐड करता है। साइड में आपको एक 3D लोगो है इसका, एक्टिवा 125 लिखा हुआ है। ये 125 जो है रेड कलर में है तो बिल्कुल उठ के आता है, उभर के आता है ये बिल्कुल। और जहाँ तक इसके मैकेनिकल्स का सवाल है, जहाँ तक इसके इंजन का सवाल है, उसमें कोई चेंज नहीं है। इसमें वही 125 सीसी का इंजन आता है जिसमें लगभग 8.5 bhp का पावर है और 10.5 nm का इसमें टॉर्क है। अब इसका जो फ्रंट व्हील है ये 12 इंच का है, इसमें आपको ऑप्शन आता है स्टील व्हील का और अलॉय व्हील्स का। ये जो हम स्कूटर जो देख रहे हैं ये टॉप एंड वर्जन है और इसमें सामने 12 इंच का व्हील है, पीछे 10 इंच का व्हील है, वही पुरानी एक्टिवा 125 की तरह, उसमें कोई चेंज नहीं है। और इसमें डिस्क ब्रेक का ऑप्शन भी आता है
फ्रंट डिस्क ब्रेक और कॉम्बी ब्रेक स्टैंडर्ड है इसमें। तो एक्टिवा 125 में दरअसल तीन वेरिएंट्स आते हैं, एक है स्टैंडर्ड, एक है अलॉय व्हील्स और एक है अलॉय व्हील्स विद डिस्क ब्रेक। और तीनों ही वेरिएंट्स में आपको कॉम्बी ब्रेक मिल जाएगा स्टैंडर्ड। जो रेगुलर एक्टिवा है उसमें 10 इंच के व्हील्स आते हैं, इसमें सामने आपको 12 इंच का व्हील मिलेगा। और इसकी एक और ख़ासियत है कि इसमें टेलीस्कोपिक शॉक अब्जॉर्बर आते हैं सामने, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जब आप इसे राइड करें तो आपकी राइड क्वालिटी आपको अच्छी मिलती है और इसकी हैंडलिंग भी इससे इम्प्रूव हो जाती है। और पीछे इसमें हाइड्रोलिक टाइप का सस्पेंशन है। तो जहाँ तक इसका परफॉर्मेंस का सवाल है और इंजन के बिहेवियर का सवाल है, उसमें कोई चेंज नहीं है, ये पहली वाली एक्टिवा 125 की तरह ही है। और जब इंजन सेम है, परफॉर्मेंस सेम है, तो इसका माइलेज भी लगभग उतना ही है, आपको ओवरऑल लगभग 55 किलोमीटर्स पर लीटर का माइलेज ये दे देगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। और अगर इसके स्विच गियर्स भी देखें तो ये भी सेम है, इनमें कोई फ़र्क आपको दिखाई नहीं देगा। ये इसका स्टार्ट बटन है और वहीं यहाँ आपको हाई बीम लो बीम के स्विचेस मिलेंगे, ये टर्न इंडिकेटर्स हैं और ये हॉर्न का स्विच है। सो इसका जो नया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, दिस इज़ सिमिलर टू द होंडा ग्राजिया। अब इन नए फीचर्स की वजह से एक्टिवा 125 और अट्रैक्टिव हो गई है और बेटर वैल्यू हो गई है। जैसे मैंने बताया आपको, तीन मेजर चेंजेस हैं, एक तो इसका एलईडी हेडलैम्प है, एलईडी पायलट लैंप्स हैं और इसका एनालॉग डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है और साथ ही ये कॉम्बिनेशन स्विच है जो काफ़ी यूज़फुल है। अब इसकी प्राइस की अगर बात करें तो ऑन रोड प्राइस स्टैंडर्ड वेरिएंट की 65,000 है, वहीं इसका अलॉय व्हील का वेरिएंट अगर आप लें तो ये 68,000 का है, और अगर आप इसका डिस्क ब्रेक वेरिएंट लें तो उसकी प्राइस है 71,000। ये सारी प्राइसेस ऑन रोड दिल्ली प्राइसेस हैं और सिटी टू सिटी ये थोड़ी वेरी करेगी। तो दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए अभी MotorOctane के यूट्यूब चैनल को, हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए। स्टे ट्यून्ड टू MotorOctane चैनल, क्योंकि एक्टिवा 125 का कंपैरिजन वीडियो भी हम जल्द ही आपके सामने लेके आएंगे, जहां पे एक्टिवा 125 वर्सेस बाकी के जो 125 सीसी के स्कूटर्स हैं उनका हम कंपैरिजन करेंगे। तो देखते रहिए इस चैनल को। राइड सेफ दोस्तों, एंड ऑलवेज वेयर योर हेलमेट।